दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं, तो आज हम ग्रेडियंट टूल की सहायता से हम इस तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे। तो चलते अपने वीडियो पे। हेलो दोस्तों, साहूविन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एडोब इलस्ट्रेटर की फ्री क्लास, जिसमें कि आप लोग फ्री में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे। दोस्तों, मैं क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हमारे YouTube चैनल में कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलते हैं ना अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास हमारी ग्रेडियंट टूल। दोस्तों, ग्रेडियंट टूल दो या दो से अधिक कलर को मिक्स करके एक नया कलर बनाता है। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं। उससे पहले हम एक लेंगे रेक्टेंगल इस तरह से, और इसके बाद कलर फिल करेंगे इसमें। हम कोई भी कलर फिल कर देते हैं इस तरह से। और कलर फिल कर देने के बाद आप देखते हैं कि इसमें केवल एक ही कलर है। आप अपने कंप्यूटर में राइट साइड में देखेंगे हमारे कलर, तो आप इनको ओपन कर लेंगे। जैसे कलर हो गया, स्वेचेस हो गए और ग्रेडियंट। तो आज हम तीनों ऑप्शन को देखेंगे कि किस तरह से हम कलर को बनाएंगे और किस तरह से मैच करेंगे और किस तरह से ग्रेडियंट डालेंगे हम। यदि आपके कंप्यूटर पे कलर और स्वेचेस और ग्रेडियंट ऑप्शन ना दिख रहे हो, तो आप यहाँ विंडो मेनू में जाके आप कलर और ग्रेडियंट और स्वेचेस को ओपन कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जब हम कोई कलर किसी शेप में फिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके ये कलर जो ऑप्शन हमारा है, कलर, स्वेचेस और ग्रेडियंट, इनमें टॉप में सिलेक्ट होके आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपको इसका कलर कुछ चेंज करना है, तो आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं इसमें। इस तरह से आप कलर को मैच कर सकते हैं, कलर मिक्सिंग कर सकते हैं इस तरह से। आपके कंप्यूटर में इस तरह का ग्राफ ना आ रहा हो, तो आप यहाँ पे जाके साइड में आपको दिख रही होंगी तीन लाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा होगा शो ऑप्शन। जैसे कि इसमें हाइड लिखा ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे शो ऑप्शन, क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको शो होने लगेगा। तो चलते हैं अपने क्लास पे। तो मान लीजिए हमको इस कलर में हमें दूसरा कलर मिक्स करना है, तो कलर मिक्सिंग तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन दो कलर को मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस शेप में आधा कलर दूसरा हो और आधा कलर दूसरा हो, तो उसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम इस कलर को इसमें डाल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा इस तरह से। इस पैनल को थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे हम और इसको व्हाइट को हटा देंगे हम। और दोस्तों, ग्रेडियंट कलर में मिनिमम दो कलर हम रख सकते हैं, और ये इसको ये हटाएंगे तो ऐसे हटेगा नहीं। ये मान लीजिए इस कलर को कॉपी करना है, तो ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करेंगे हम, इसी कलर की कॉपी हो जाएगी। अब इसको ब्लैक को हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो आप इस कलर को क्लिक करके इस कलर को मैच करा सकते हैं, या कोई दूसरा कलर ले सकते हैं इस तरह से। तो आप इस तरह से कलर को मैच करा सकते हैं, इस तरह से कलर को आप ले सकते हैं ग्रेडियंट के रूप में। और मान लीजिए कि हमको एक कलर और लेना है इसमें, तो इसमें कलर लेने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, बाद आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें लेके व्हाइट ग्रेडियंट ले लिया हमने। तीन कलर का हमारा ये शेप हो गई है। अब इस पे हम कुछ और भी देखेंगे, टाइप किस तरह टाइप से हम करेंगे इसको। जैसे कि हमारा एक टाइप है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब ये होगा कि हमारा जो कलर शो होगा तो वो लाइन के रूप में दिखेगा आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन है और ये व्हाइट लाइन है और ये ग्रीन लाइन है। यदि आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए ग्रेडियंट टूल, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको रेड ग्रीन ऊपर चाहिए, तो नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं आप। यदि आपको इस तरह चाहिए, तो आप जिस तरह से आप इसको को करेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। जिस तरह से आप चाहते हैं, उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। और इसको शिफ्ट के साथ करेंगे यदि हम, तो बिल्कुल सीधा आएगा ये, आप देख सकते हैं। यदि मान लीजिए मैंने इसको ऐसे किया, हल्का तिरछा हो गया, तो ये कलर लाइन तिरछी हो गई। यदि हम इसको शिफ्ट के साथ करें ट्रैक, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी। तो आप इस तरह से कलर ग्रेडियंट डाल सकते हैं किसी शेप में। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्रेडियंट का बहुत यूज है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि इसको हम अच्छे से देखेंगे। मान लीजिए आपको कोई गोल्डन कलर
बनाना है, मान लीजिए इस तरह से गोल्डन कलर बनाना है आपको, तो गोल्डन कलर को आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि स्वेचेस हमारे पास पहले थे, और आप यहाँ पे देखेंगे मेटल, मेटल पे आएंगे और मेटल में आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपके पास कलर शो हो रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे लेके ला सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ से जिस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आप ड्रैग कर सकते हैं इनको। और इसको हम बनाएंगे मेटल, तो एक ले लेंगे सेव, और इस पे हम कलर डालेंगे। अब देखिए किस तरह डालेंगे, इसमें हम इस तरह से एक लाएंगे पहले गोल्डन कलर को, इस तरह से ड्रैग करेंगे, इस पे लेके आएंगे और इसको रेड वाले को हटा देंगे हम। और उसके बाद हम इसको फिर दूसरे कलर को लेके आएंगे, इस तरह से डालेंगे इसको, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा सकते हैं अब क्योंकि हमारे पास दो कलर ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसके बाद हम कोई डार्क कलर लेके आएंगे, फिर उससे लाइट कलर लेके आएंगे हम, और इस तरह से आप लेके आ सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आप ग्रेडियंट कलर में इस तरह से गोल्डन कलर को भी बना सकते हैं। कलर को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ, यहाँ से आप इस तरह से कलर को ऑपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, ग्रीन कलर बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं इसकी। और इसमें आपको जो भी चीज ऐसी लगे कि कुछ चेंज करने वाला है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर जो आ गया है, ये ग्रीन कलर को हटा देंगे हम। इसको ऑल्ट के बाद कॉपी करेंगे हम इस तरह से। आपको कुछ गोल्डन कलर में ये जो कलर हमने बनाए हैं, तो ये गोल्डन कलर का कुछ शेप दिखाई दे रही है इसमें, 100% तो नहीं लेकिन हाँ 80% तो आपको गोल्डन दिख रहा है इस तरह से, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कलर को बना सकते हैं ग्रेडियंट डाल के। तो इसके बाद हम एक आर्ट बनाएंगे जिसमें ग्रेडियंट कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट। देखिए इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल लेंगे हम इस तरह से, इसको और इसका आउटलाइन कलर को हटा देते हैं हम, आउटलाइन कलर को इस तरह, और इसमें कलर फिल कर देते हैं हम दूसरा कोई। और इसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे एड एंकर पॉइंट टूल, इस तरह से आएंगे इसमें, और इसके बाद इसको इस तरह से करेंगे, और इसको हम करेंगे फिर रोटेट इस तरह से, इस तरह से कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम, इसके बाद ऑल्ट के पास कॉपी करेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट के बाद कॉपी करेंगे इसको हम इस तरह से, और फिर इसके बाद करेंगे कंट्रोल डी, तो आपकी कुछ शेप इस तरह से बनेगी। अब इसकी हम आउटलाइन कलर ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से शेप हमारी दिखेगी। और उसके बाद हम इसको ऊपर लेके आएंगे, पेन टूल लेंगे हम, और उसके बाद इस तरह से हम इसको डिजाइन करेंगे, इस तरह से ड्रैग करेंगे इस तरह से, आप इसको सीधी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, और इसके बाद कलर फिल करेंगे इसमें हम इस तरह से ले लेंगे कलर इस तरह से, और इसको कर देंगे अरेंज से फ्रंट टू बैक, तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। इस तरह दिखाई देने के बाद आप इसको सेट करेंगे इस तरह से,
इस तरह से लेंगे हम और इसको हल्का सा छोटा करेंगे हम इस तरह से, और छोटा करने के बाद इसमें खींचेंगे लाइन, एक लाइन बनाएंगे हम पेन टूल से इस तरह से, और इसका स्ट्रोक को देंगे कलर, और इसके बाद हम इसमें आएंगे, इस लाइन को कर देंगे हल्का सा ऊपर, और इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे हम और जाएंगे शेप ब्लर टूल पे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी शेप अलग हो जाएगी और इस लाइन को हम कर देंगे डिलीट, इस पर करेंगे सिलेक्ट, इसको फिल कर देंगे हम ब्लैक से, तो आपकी पेंसिल कुछ इस तरह से बनेगी, तो आप देख सकते हैं इसको। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कि ग्रेडियंट, मान लीजिए कोई कोई चीज रखी है उसको हम देखेंगे, तो एक तरफ लाइट जिस हिसाब से लाइट पड़ती है उसमें, तो उसमें कहीं शेडो बनती है तो कहीं पे लाइट बिल्कुल ब्राइटनेस बढ़ जाता है, तो आपने कभी देखा होगा कोई कोई चीज रखी है साइड पे कहीं पे रखी है तो आपको पूरा एक तरह नहीं दिखेगा, तो वो जिस तरह से रोशनी उसमें पड़ेगी, जिस तरह से उसमें प्रकाश पड़ता है, जिस तरह से उसमें रोशनी पड़ती है, उस हिसाब से वो शेडो बनाएगा और उसको उस तरह से ब्राइटनेस बढ़ाएगा उसकी। तो आप देखते हैं किस तरह से हम इसकी ग्रेडियंट डालेंगे इसमें। तो मान लीजिए सामने से कोई एक लाइट लग रही है तो सामने बिल्कुल कलर का बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन उसके अपोजिट साइड उसका कलर डिम हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, एक कलर रेड लिया और रेड कलर को यहाँ पर डाल देते हैं इस तरह से, और इसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट कलर को, एक कलर ले लेते हैं हम, तो आप यहाँ से रेड लेंगे कलर और एक तरफ लेंगे डार्क। अब डार्क यहाँ से आप यहाँ से भी ले सकते हैं, देखिए आप कलर को इस तरह से डार्क ले सकते हैं, देखो लाइट डार्क इस तरह से डार्क, इस तरह डार्क कलर ले सकते हैं हम, और उसके बाद हम इस तरह से हम कलर ले लेंगे, तो हमारा जो फ्रंट होगा ये कलर दिखेगा पूरा रेड, लेकिन उसके साइड हो उसके जो अपोजिट साइड होगी उसको दिखेगा हल्का सा ब्लैक, हल्का ब्लैक दिखेगा, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो ये कलर को हमने कर दिया थोड़ा सा डार्क इस तरह से, उसी प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे हम और करेंगे आई प्रेस करेंगे, आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद करेंगे इस पर क्लिक, तो आप देख सकते हैं इसमें कलर फिल हो गया है, लेकिन इसमें जो डार्क है तो बीच में आ गया, लेकिन हमको करना है साइड, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे हम इस तरह से, देखिए आप रिवर्स ग्रेडियंट करेंगे इस पर, तो आप देखिए सामने व्हाइट सामने रेड हो गया और उस तरफ शैडो चली गई। तो इसी प्रकार से हम इस पर आई प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारी कुछ पेंसिल इस तरह से बनेगी, और लेकिन इसमें हम बीच में शैडो की जरूरत नहीं हमको, क्योंकि लाइट हमारे सामने से पड़ेगी, यदि इसमें ये सामने से लाइट इसमें पड़ेगी तो आपको शैडो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो कलर को इसको इस कलर को करेंगे कॉपी हम ऑल्ट के साथ और इसको कर देंगे डिलीट इस तरह, तो इसको कंट्रोल जीरो करते हैं, तो आप देखते हैं कि इस तरह से आपकी पेंसिल रेडी होगी। तो आपने देखा होगा कि पेंसिल आपकी जो बनती है तो इसी तरह से दिखाई देती है, और इसमें पीछे ऊपर से और डिजाइन बना देते हैं इसकी हम, इस तरह से, और इसमें डालेंगे और एक लाइट ब्लू डालेंगे इसमें, आप यहां से कलर बना सकते हैं। और इसको करेंगे ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, एक तरफ शेडो होगी एक तरफ नहीं होगी, आप इस पे
आउटलाइन कलर को हटा देंगे। तो दोस्तों आपकी पेंसिल इस तरह से बन जाएगी, आप देख सकते हैं कि पेंसिल आपकी ये रेडी हो चुकी है। आप इसमें कुछ भी इसमें एक डाल देते नटराज, नटराज की पेंसिल थी वो, नटराज नटराज। पेंसिल इस तरह से लेके आप इस तरह से करेंगे, आप शिफ्ट के फायर इसको रोटेट कर देंगे और आप यहाँ पे आके इसको डाल देंगे। इसी तरह से आप और पेंसिल बना सकते हैं, इस तरह से करेंगे कंट्रोल जी ग्रुप, और इस तरह से फिर ड्रैग करेंगे यहाँ पे और इसको करेंगे अनग्रुप। और अनग्रुप करने के बाद आपको इसका कलर जो है आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस कलर में इसमें ले लेता हूँ दूसरा कलर, मान लो मैंने ले लिया इस तरह से, मैंने ये कलर ले लिया सॉरी, इसमें सेलेक्ट करेंगे हम तो आप यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको एक बार करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको बनाएंगे हम। तो दोस्तों ये आज हमारे ग्रेडियंट टूल का एक छोटा सा पार्ट था जो कि आज हम लोगों ने बनाया, और आगे आगे आने वाली वीडियो में हम इससे अच्छी भी ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो और समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करिएगा उसमें और लाइक करिए वीडियो को, और जिन लोगों को कुछ पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिन लोगों को अभी कुछ डाउट है इलस्ट्रेटर में, एडोब इलस्ट्रेटर में कोई डाउट है उसके लिए मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू दोस्तों।